हेलो स्टूडेंट्स, क्लास K1। वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी। ओके, आज हम करेंगे वर्क रिवीजन वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेंशन डेट हियर, यूनिट टेस्ट फर्स्ट रिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, राइट टू लेटर वर्ड्स। यहाँ आपको टू लेटर वर्ड्स लिखना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, सो, एस ओ सो। नेक्स्ट नंबर टू, एन ओ नो, टी ओ टू, ओ एफ ऑफ। ओके, ओ एन ऑन, जी ओ गो। ओके, S O so, N O no, T O do, O F off, O N on, G O go. Next question, see the picture and write its first letter. Okay, this is grapes. Look at the first picture. What is this? This is grapes. G for grapes. यहाँ लिखेंगे G for grapes. Next, this is ball. B for ball. इस तरह आपका है। This is mango. M for mango. Next, this is cat. C for cat. And next, ice cream. This is I for ice cream. तो आप यहाँ write करेंगे M for mango, C for cat, I for ice cream. Okay. Next. What comes after? What comes after B? C. C for cat. Okay. What comes after K? L. L for lion. Which letter is this? This is letter G. G for grapes. What comes after G? H. Okay. Next, this is letter L. What comes after L? M. सर आप लिखेंगे व्हाट कम्स आफ्टर सी डी। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज लेटर ए। व्हाट कम्स आफ्टर ए बी। नेक्स्ट डी। व्हाट कम्स आफ्टर डी ई। ओके, नेक्स्ट राइट अल्फाबेट ए टू जे। आप इसे वर्क कंप्लीट करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ लिखेंगे राइट अल्फाबेट ए टू जे। स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ओके, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ ए एन। ओके, यूज ऑफ ए और एन। यहाँ आपको फील करना है ए और एन। ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज हम वहां करते हैं जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। ओके, एंड एन। एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल साउंड। और एन का यूज या वॉवल वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन लिखते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बी ए डबल एल बॉल। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? बी। बी वॉवल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ ए लिखेंगे। नेक्स्ट ई डबल जी एग। पहला वर्ड देखिए, सॉरी, पहला लेटर आपका क्या दिया हुआ है? ई। ई हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट? वॉवल है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। ए एन एन। सी ए टी कैट। सी वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए। नेक्स्ट डी ओ जी डॉग। डी हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट? डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए। नेक्स्ट ए डबल पी एल ई एप्पल। ए हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट? वॉवल है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। ए एन एन। नेक्स्ट पी ई एन पेन। पी हमारा वॉवल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे ए। ओके, सर आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है मैचिंग। वंस ए बी सी डी ई एफ। ओके,
दिस इज लेटर ए, राइट साइड में आप ए ढूंढिएगा, कहाँ है ए, यहाँ, तो हम इसे मैच कर देंगे, नाउ मैच इट। नेक्स्ट बी, सर बी आप ढूंढ सकते हैं, ये बी, नो बी, इस तरह आप मैचिंग करेंगे, ओके। इस तरह नेक्स्ट है सी, सी आप इधर साइड में ढूंढिए, सी किधर है, यहाँ, इसलिए नाउ मैच इट, ओके। तो ये वर्क आप अपना कंप्लीट करेंगे, सारा कॉपी में पहले आप लिखेंगे यूनिट टेस्ट फर्स्ट रिवीजन, स्टार्ट करेंगे राइट टू लेटर वर्ड्स, इसे कंप्लीट करना है, सी द पिक्चर एंड राइट इज फर्स्ट लेटर, हमने दो एग्जांपल दिए, थ्री आपको खुद से यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर फोर, राइट अल्फाबेट ए टू जे। नेक्स्ट यूज ऑफ ए और एन, इसे आपको करना है सिक्स मैचिंग, ओके। डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी, ओके, थैंक यू।